हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहें। तो बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ये द हिंदू न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल है जो कि आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। और अगर आप मान लो किसी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे थे फिर भी आपकी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आज ये आर्टिकल है वैसे आपकी सोशल अवेयरनेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि मोबाइल फ़ोन जो स्टूडेंट्स को अलाउ करने चाहिए या नहीं चाहिए उसके लिए आर्टिकल है। शुड देयर बी ए ब्लैंकेट बैन। ब्लैंकेट बैन मतलब पूरा कंप्लीट बैन होना चाहिए, आउटराइटली, बिल्कुल कम्प्लीटली, ऑन स्मार्टफोन इन स्कूल। स्मार्टफोन स्कूल्स में बैन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उस पर बात करेंगे। तो इसको मैंने सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख दिया ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए भी अच्छा रहिए। इंडिया में लगभग 1.2 बिलियन, तो इंडिया में लगभग 1.2 बिलियन मोबाइल फ़ोन यूज़र हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, जिसमें से ओवर मतलब ऊपर थोड़ा सा 6 मिलियन, जो 1 मिलियन 10 लाख, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, तो 10 लाख, ये 6 मिलियन से भी ज़्यादा स्मार्टफोन यूज़र हैं जो कि जिनके पास मल्टीमीडिया मोबाइल हैं। तो 1 बिलियन कितना होता है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1 बिलियन 100 करोड़। आपको पता है कि 1.4 बिलियन इंडिया की पॉपुलेशन है, जिसमें से 1.2 बिलियन आदमियों के पास मोबाइल है। और अगर उसमें से भी बात करें तो हम 6 मिलियन जो आदमी हैं उनके पास स्मार्ट मोबाइल है, स्मार्टफोन है। द फिगर इज़ एक्सपेक्टेड टू क्रॉस 1 बिलियन बाय 2026। अगर मान लो ये फिगर की बात करें, ये जो 600 मिलियन स्मार्टफोन यूज़र हैं वो आज कल सभी ले रहे हैं, तो ये क्रॉस कर जाएंगे 1 बिलियन को 2026 तक, अकॉर्डिंग टू ए डिलॉयट स्टडी, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डिलॉयट स्टडी की गई है, इंडिकेटिंग दैट ए फ्यूचर वर्ल्ड विल बी डिपेंडेंट ऑन दिस स्मॉल डिवाइसेस। फ्यूचर वर्ल्ड डिपेंड रहेगा, विल बी डिपेंडेंट, विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये विल बी डिपेंडेंट रहेगा, डिपेंडेंट विल बी डिपेंडेंट ऑन दिस स्मार्टफोन। विल बी मतलब होगा, फ्यूचर में होगा, विल बी डिपेंडेंट, तो फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड नहीं है। हाउएवर वन प्लेस वेयर स्मार्टफोन यूजेज हैज़ बिकेम कंट्रोवर्शियल इन द क्लासरूम। तो एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे कंट्रोवर्शियल हो गया मोबाइल यूज करना, क्लासरूम। रिसेंटली यूनेस्को, जो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होती है यूनेस्को की, जो अपना यूनाइटेड नेशन का पार्ट रहता है, रिकमेंडेड, इन्होंने रिकमेंड किया, वो आपके सेकंड फॉर्म में पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं, तो इन्होंने रिकमेंड कर दिया था, मतलब ए यूनिवर्सल बैन ऑन द यूजेज ऑफ स्मार्टफोन इन स्कूल्स। यूनिवर्सल, यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, पूरा कहीं भी स्कूल में फ़ोन नहीं यूज़ होना चाहिए, यूनेस्को ने बोला, रिकमेंड किया, सेइंग दैट इट वाज नीडेड, ये ज़रूरत थी, टू टैकल द क्लासरूम डिसरप्शन, जो क्लासरूम में डिसरप्शन होता है उसको टैकल करने के लिए ज़रूरत थी, इम्प्रूव लर्निंग इम्प्रूव करने के लिए, हेल्प प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम साइबर बुलिंग, जो आपको पता है वीडियो वायरल हो जाती हैं बच्चों की, तो दैट कैन बी कॉज ऑफ द डिसरप्शन इन द स्टडी ऑफ द स्टूडेंट्स आल्सो, दैट्स वाई वी शुड प्रिवेंट सच टाइप ऑफ यूजेज ऑफ द मोबाइल फ़ोन इन द क्लासरूम। इन एन एडवाइजरी बाय द डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के एडवाइजरी जारी की इन्होंने, किसमें? प्राइवेट स्कूल ब्रांच है ये, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो इन प्राइवेट स्कूल ब्रांच ने क्या किया, ये जो NCT दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, हैज़ हाईलाइटेड द नीड फॉर ऑल स्टेक होल्डर, उन्होंने ज़रूरत को हाईलाइट किया है, ऑल स्टेक होल्डर कनेक्टेड विद द स्कूल्स एजुकेशन सच एज स्टूडेंट्स, पेरेंट, टीचर्स एंड हेड ऑफ द स्कूल्स, जो कि हेड ऑफ द स्कूल हैं, टीचर हैं, पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट हैं, उनको, स्टेक होल्डर सब जितने भी जिनका भी इनमें इंटरेस्ट है कनेक्टेड विद द स्कूल्स एजुकेशन, उनको बताया, टू अराइव एट ए कंसेंसस, सहमति पे पहुँचे। ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का एक प्राइवेट स्कूल की ब्रांच है जो कि दिल्ली में हुई थी, उसने हाईलाइट कर दिया कि भाई सब सहमति पे पहुँच गए, मिनिमम यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन इन दी स्कूल्स इन्वायरमेंट, स्कूल के इन्वायरमेंट में बहुत कम यूज़ होना चाहिए मोबाइल फ़ोन का, सो दैट ए मोर मीनिंगफुल लर्निंग एटमोसफेयर कुड बी मेंटेन इन द क्लासरूम। तो एक मीनिंगफुल एटमोसफेयर बन जाएगा, एम्बिएट बन जाएगा पढ़ाई के लिए। की पॉइंट्स क्या क्या हैं यहाँ पे? यूनेस्को हैज़ रिसेंटली क्लियरली वार्न अगेंस्ट एन अनक्रिटिकल रश टुवर्ड्स एम्ब्रेसिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स इन द एजुकेशन सेटिंग। तो यूनेस्को ने क्या है, क्लियरली वार्न किया, चेतावनी दिया, अगेंस्ट एन अनक्रिटिकल रश, मतलब कोई क्रिटिकल रश नहीं है, अनक्रिटिकल रश है, टुवर्ड्स एम्ब्रेसिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स इन द एजुकेशनल सेटिंग्स। तो एम्ब्रेस करना मतलब इम्बाइब करना अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स को एजुकेशन सेटिंग्स में, तो अनक्रिटिकल है, कोई इसकी लिमिट नहीं है, सब यूज़ कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में इनको, डिजिटल को। देयर इज सम एविडेंस, कुछ सबूत भी हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी एडेड वैल्यू इन द एजुकेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी ने एडिड किए हैं वैल्यू education system है, but there is a clear threat, खतरा भी है with the report that highlighting that mere proximity, अगर थोड़ी सी नज़दीक भी बढ़ जाए to the mobile device was found to distract student, ये distract करती है students को वहाँ से. There is more than sufficient for us to understand, हमारे पास मतलब बहुत ज़्यादा evidence है कि भाई to understand that this mobile phone should not allowed in the education system. मोबाइल फ़ोन को अलाउ नहीं करना चाहिए एजुकेशन सिस्टम में. देयर इज़ रिसर्च कंडक्टेड बाय द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, तो ये रिसर्च कंडक्टेड की गई है किसके द्वारा, लंदन स्कूल ऑफ एजुकेशन इकोनॉमिक्स, हाईलाइटिंग द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ नॉट अलाउिंग मोबाइल फ़ोन्स. तो ये हाईलाइट करते हैं इंपॉर्टेंस को कि मोबाइल फ़ोन को अलाउ नहीं करना चाहिए बिकॉज क्योंकि इट क्लियरली इन्हांस एकेडमिक परफॉर्मेंस. ये क्या करता है, अगर मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करेंगे तो ये एकेडमिक परफॉर्मेंस इन्हांस कर देगा, बढ़ा देगा. साइकोलॉजिस्ट आल्सो एडवोकेट, वो एडवोकेट करते हैं दैट मोबाइल फ़ोन्स आर एडिक्टिव इन द नेचर, जिससे लत पड़ जाती है, एंड कैन हिंडर कंसंट्रेशन एंड सोशल स्किल्स. समाज में जो स्किल्स सीखता बच्चा वो उसके लिए हिंड्रेंस है, ये कंसंट्रेशन भी भंग हो जाती है, एंड कोज इंक्रीज एंजाइटी एंड मेंटल इलनेस, एंजाइटी बढ़ा देता है एंड मेंटल इलनेस लेके आता है. स्टूडेंट्स आर वल्नरेबल टू दी साइबर ब्यूलिंग, तो साइबर ब्यूलिंग उनके साथ मतलब क्योंकि उनको पता नहीं नेट कैसे यूज करते हैं, दैट्स वाई लाइक देर आर सेवरल इंस्टांसेज हैज़ हैपन्ड इन द सोसाइटी दैट वीडियोज़ गोट वायरल एंड दे वर इन दी ट्रबल. तो प्रॉब्लम में थे बच्चे क्योंकि उनकी प्राइवेट जो वीडियो लीक हो गई हैं. तो साइबर बुलिंग से बचाएंगे कंपेरिजन्स अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स, तो अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड हैं, रिजल्टिंग इन द डिप्रेशन, डिप्रेशन आ जाएगा बच्चों में, इन फील्ड ऑफ इन एडुकेसी. तो मतलब मोबाइल नहीं होगा तो उनको लगेगा कि हमें मतलब हम कंप्लीट नहीं है, इन एडुकेट लगेगा. प्रोहिबिटिंग मोबाइल फ़ोन्स ड्यूरिंग स्कूल आवर्स विल डेफिनेटली ऑफर स्टूडेंट्स रिलीफ फ्रॉम द प्रेशर, तो इन प्रेशर से बच्चा रिलीज रहेगा अगर मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं होगा तो. अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक सोशल एंड बिहेवियरल पर्सपेक्टिव, अगर एकेडमिक को छोड़ें, सोशल एंड जो बिहेवियर है उसका उसके पर्सपेक्टिव से देखें, देयर इज़ एन इकोनॉमिक एंगल टू दिस, इसके साथ इकोनॉमिक एंगल भी एक लगा हुआ है. कैसे, इट माइट राइज डिस्पैरिटी अमंग दी स्टूडेंट्स, ये मतलब भेदभाव हो जाएगा बच्चों में बिलोंगिंग टू दी वेरियस सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड. आपको पता है डिजिटल सिस्टम यूज करते हैं, सबके पास डिजिटल असेट्स जो हैं वो है नहीं, तो उनका एक्सेस कम है, दैट्स वाई देयर आर सेवरल डिस्पैरिटीज़ अमंग दी स्टूडेंट्स हु आर लाइक लोअर स्टेटा से जो बिलोंग करते हैं, लोअर रंग से बिलोंग करते हैं, बिकॉज स्टूडेंट्स विद विच एक्सेस टू द लेटेस्ट एक्सपेंसिव डिवाइसेज, जिनके पास महंगे महंगे डिवाइसेज रहते हैं, कुड एक्सपीरियंस एंड एडवांटेज, वो उनको एक एडवांटेज मिलेगा, वाइल दोज विद लिमिटेड रिसोर्सेज माइट फील लेफ्ट आउट और स्टिग्मेटाइज. तो वो लेफ्ट आउट मतलब वो पीछे पिछड़ेंगे, स्टिग्मेटाइज करेंगे उन पर, मतलब एक मतलब उनको ये लगेगा कि हमारे पास ये है नहीं, तो उनको एक बर्डन लगेगा. The presence of the mobile phone also increase the risk of theft or and schools may struggle to manage security, तो वो सिक्योरिटी मैनेज करने में भी स्ट्रगल करेंगे. However, on the other hand, in developed country like Finland, Australia, England and others, smartphones were already widely used. स्मार्टफोन को यूज़ किया जाता है. ब्लैंक बैन कैन नॉट बी आंसर, तो वहाँ पे ब्लैंकेट बैन नहीं हो सकता फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड टाइप कंट्री में. चिल्ड्रन हैव एक्सेस टू इट, उनके पास एक्सेस रहता है, एंड आर गिविंग टू इट टू देम, उनको देते हैं. एंड देर इज़ एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एजुकेशन टेक प्रोडक्ट्स, एजुकेशन के साथ मिले हुए भी टेक्निकल प्रोडक्ट रहते हैं. वी टॉक अबाउट डिजिटलाइजेशन एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बात की है हमने डिजिटलाइजेशन करने की, एंड टू गिव्स ए लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू दी स्मार्टफोन को हम देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि टैबलेट्स वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट होती हैं. आई होप आपको समझ में आया होगा, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ और डेली देखते रहो. थैंक यू वेरी मच, बाय.